दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कमला नदी में बड़ी हादसा हो गया है, जिसमें नाव पलटने से दो महिला सहित पांच लोगों की मौत हो गई है। यह घटना उस समय घटी जब कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की महिसूट पंचायत की झझड़ा और गड़ी यपुरा गांव के बीच शाहपुर चोर में बुधवार की शाम आई आंधी तूफान की चपेट में आकर नाव पलट गई। इस पर 10 लोग सवार थे, जिनमें दो महिला सहित तीन बच्चों की मौत हो गई, बाकी पांच लोग तैरकर बाहर निकल गए। ग्रामीण की टीम ने रेस्क्यू करके जब तक निकालते तब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी थी। सभी मृतक के शवों को ग्रामीणों की टीम के द्वारा नदी से बरामद कर ली गई है। घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ कमला नदी के तटबंध पर जमा हो गई, जहां जानकारी मिलते ही कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं बिरौल अनुमंडल के एसडीओ दिल के स्वरूप की अध्यक्ष असगर इमाम मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का चेक दिया है। घटना के संबंध में बताया गया कि झांझरा गांव में हाट से सामान की खरीदारी कर नाव पर सवार 10 लोग महिसोत पंचायत की गड़ेपुरा गांव जा रहे थे, जो आंधी तूफान के कारण नाव पलट गई। नाव हादसे में मरने वाली तिलकेश्वर ओपी की गड़ेपुरा गांव निवासी महावीर यादव की 60 वर्षीय फूलपरी देवी, जगतारिणी देवी रामप्रसाद मुखिया की पत्नी 60 वर्षीय मीना देवी, राजकिशोर यादव की 15 वर्षीय पुत्री, 12 वर्षीय कल्पना कुमारी एवं बालेश्वर राम की 12 वर्षीय पुत्री सोनिया कुमारी शामिल है। सभी मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा है। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। बहुत दुखद जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। आज हमारे विधानसभा कुशेश्वर स्थान अंतर्गत गढ़ेपुरा और झझरा चौर में नाव पलट जाने से पांच व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें दो महिला है जिसकी उम्र 45 से 50 के लमसम में है, और तीन लड़की जो 12 से 14 साल की है उसका भी मौत हो गया। पांच डेथ बॉडी को काफ़ी मशक्क़त के बाद खोज लिया गया है, जिसमें लगभग 9 से 10 आदमी सवार थे और जो व्यक्ति सवार थे वो तैरकर बाहर निकल गए, वो स्वस्थ हैं फिलहाल। और पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और हम स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो व्यक्ति डूब गए हैं उनके परिवार को उचित न्याय दिया जाए। धन्यवाद।